आ रहा है ना आ, अच्छा आपको पता है आज मैं आपको छोड़ सकती हूँ ये जो सॉरी थी ना ये मैंने ना ये मुझे ना ये मैंने सुनी थी कहीं से ठीक है तो आपकी बुक्स है हम्म यस अब होता है एक ना... ना अच्छा एक ना एक गाँव होता है ठीक है एक ना गाँव होता है वहाँ पर ना एक रहता है कारपेंटर कारपेंटर किसको कहते हैं वो जो लकड़ियाँ जो जो ये जो, जो, जो फर्नीचर बनाते हैं ना जो मतलब हमारे घर में जो होते हैं मतलब कि टेबल आ, मतलब के चेयर चेयर जो चेयर्स वगैरह बनाते हैं ना मतलब मतलब क्या किसको कहते हैं मतलब कि ये जो जिसके अंदर हम अपने ग्लास वगैरह रखते हैं ना जिसको कहते हैं ड्रो वगैरह कहते हैं hmm. वो सारे वो न, इन सबको कारपेंटर बनाने के लिए कहते हैं ठीक है एक ना कारपेंटर रहता होता है ठीक है वो जो होता है ना कारपेंटर वो ना मतलब इतना अच्छा काम करता होता है इतना ज्यादा अच्छा काम करता है कि जो घाव वाले होते हैं ना उसका काम काम घाव घाव जो सारे वाले होते हैं ना उन उसका बहुत ज्यादा पसंद होता है mm -hmm. तो ना जो सारे और भी गांव में और भी कारपेंटर होते हैं लेकिन वो जो होते हैं ना जो दूसरे कारपेंटर होते हैं वो सही काम नहीं करते हैं वो भी सही काम करते होंगे लेकिन वो उसकी तरह ईमानदार वो जो होता है ना कॉपेंटर कारपेंटर वो बहुत ईमानदार होता है ऑनेस्ट होता है बहुत ज्यादा तो ना वो झूठ भी नहीं बोलता मतलब मतलब कि बिल्कुल सही काम करता होता है उसके बाद जी वो जो होता है ना उसको ना किसी ऑर्डर मिलता है बहुत बड़ा ना उसको ना किसी बहुत बहुत बड़ा ना फर्नीचर का ऑर्डर मिलता है तो वो क्योंकि लकड़ी लकड़ी से बनता है ना फर्नीचर तो वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में चला जाता है क्योंकि वो अपना काम जो होता है ना वो जंगल में जाके करता है तो वो जंगल में जाता है उसके बाद जंगल, जंगल में जाके ना उसका वो ना अपने बेटे को भी साथ ले जाता है बेटे उसका बेटे का नाम क्या होता है हाँ बेटे का नाम उसके बेटे का नाम होता है मिंटू मिंटू है <laughs> उसके बेटे का नाम होता है मिंटू और उसका नाम होता है बिंटू <reviewing> हाँ <ieving cigar> बिंटू होता होगा ठीक है उसके बाद ना जब वो जाते हैं ना तो उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है तभी क्या है? बता रही हूँ ना अच्छा बता देना अच्छा वो ना वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे ना वो ना पहले तो जब वो जंगल का स्टार्ट स्टार्ट में में जाते हैं तो स्टार्ट में ना ना तो मतलब ज्यादा अच्छी लकड़ियाँ नहीं होती हैं वो वुड नहीं ज्यादा ज्यादा अच्छी जो, जा, जो वुड होती है ना वो ना जो जंगल होता है ना जंगल के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में होता है इसलिए वो वो जो ना वो कहता है कि हमें अच्छी वुड के लिए हमें तो जंगल के सेंटर में जाना पड़ेगा तो ना जिसका उसको जो मिंटू होता है ना वो कहता है चलो ठीक है बाबा हम चलते हैं उसके बाद ना वो जो ना अपनी सारा कुछ लेके ना जिसके साथ वो मतलब कि उन्होंने वो बनाना है ना फर्नीचर वो सारा उसके लिए ना वो चल वो अपना सारा सामान लेके ना उस जंगल के सेंटर में जाने के लिए ना हम्म कैम्प भी लेके ले उसके बाद ना वो चलते जाए चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं चले जाते हैं तो ना वो काफी आगे चले जाते हैं मतलब कि वो जो होता है ना जंगल हाँ हाँ वो, वो ना मतलब इतनी जाई जाते हैं मतलब वो सेंटर में आ जाते हैं जब सेंटर में आते हैं ना वो तो मतलब वहाँ पे ना बहुत अच्छी वुड होती है बहुत अच्छी लकड़ियाँ होती हैं तो ना इतनी ज्यादा अच्छी लकड़ियाँ होती हैं तो वो कहते हैं उसके बाबा कहते हैं कि हम यहीं भी रुक जाते हैं थक भी गए हैं काफी ज्यादा और हम ना यहीं भी रुक जाते हैं तोना वो ना वहीं पे रुक जाते हैं तो ना उसके बाद ना वो बनाने लग वो ना उसके बाबा कहते हैं थोड़ा सा ना उसका जो बेटा होता है ना वो कहता है वो उसका जो बेटा होता है ना वो थक जाता है बहुत ज़्यादा तो उन्होंने वो कहता है बाबा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं हम तो ना उसके बाबा कहते हैं चलो ठीक है इसके बाद काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे बहुत पहले बहुत ज़्यादा देर हो गई हमारे पास टाइम बहुत कम है तो ना उसको बनाने के लिए आपको पता क्या मिला होता है क्या एक ना मतलब मतलब कि इसको एक जूस ऑर्डर आया होता है आपको पता है उसको ना एक जूस ऑर्डर आया होता है बड़े सारे पिंजरे का ठीक है जिसमें उन्होंने ना किसी मतलब के कोई न्यू जानवर आया होता है तो ना उसको रखने के लिए ना उसने जू वालों ने ना उनको ऑर्डर दिया होता है तो क्या होता है जी तो ना तो हाँ तो ना तो ना तो ना तो ना तो ना, तो ना, तो ना, तो ना हाँ। <laughs> अच्छा तो बोला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? गैस करो आ? हाँ, हाँ, तो ना वो स्टार्ट कर देते हैं तो ना मतलब कि वो रेस्ट करके चाय वगैरह पी के खाना वगैरह खा के तो ना यस यस आप चाय पी रहे हो तो ना वो काम स्टार्ट करते हैं काम स्टार्ट करते हैं ना जब हाँ, तो ना वो जो होता है ना आपको पता है वो जो होता है नहीं वो जो होता है ना कारपेंटर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो ना Yeah. तो ना <laughs> अपना काम स्टार्ट करते हैं काफी देर हो जाती है अपने का, मतलब काफी भी रेस्ट करना होता है रेस्ट करने के लिए उनको भूख भी लग जाती है और ना मतलब भूख भी लग जाती है और थक भी जाते हैं तो वो कहते हैं जो उसके बाबा उसका जो बेटा होता है ना वो कहता है नहीं सबसे मेन चीज जो होता है ना वो जहाँ वो जंगल के सेंटर में जाते हैं ना तो ऊपर ना एक मंकीस का वो बैठा होता है त्या? वो जो, जो जिसे झुंड कहते हैं ना एक गुरेला? नहीं मंकी बंदर 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 नहीं बंदर बैठे होते हैं बंदर मंगस बैठे होते हैं मंकीज बैठे होते हैं तो ना वो ना उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं ठीक है मतलब के अगर वो काम कर का रहे हैं उनको करते हैं मतलब कभी उसकी चीज ले जाते हैं कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं मतलब उसको उनको काम नहीं करने देते लेकिन ना ना जो जो एक एक मंकी मंकी होता न, एक जो होता है है वो इतने गौर से उसको देख रहा होता है इतने गौर से उसको देख रहा मतलब कि वो क्या कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है क्या करेगा आगे क्या नहीं मतलब सारे अपनी अपनी मस्ती में लगे होते हैं सारे बेनानाज खा रहे होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन वो जो एक मंकी होता है ना वो बड़े गौर से उसको काम देख रहा होता है कि वो कैसे किस तरह काम कर रहा है तो ना उसको पता चल जाता था क्योंकि वो मतलब कोई दो तीन दिन हो जाते हैं वो वहीं जाके काम वो बना रहा होता है ना काम कर रहा होता है तो ना उस मंकी को पता चल जाता किसने कि इसने इसके खाने के टाइम हो गया इसने खाना खाने के लिए गाँव जाना है तो खाना खाने के लिए गाँव जाना है तो जी जब वो जाने लगता है ना वो ना एक मशीन होती है जो मशीन होती है, न, मशीन न, होती है, न, है। ना मशीन के अंदर से ना वो जो वुड होती है ना वुड को काटता होता है तो ना मशीन नीचे से ना मशीन चल रही होती है जहाँ से वुड काटते होते हैं ना वहाँ पे ना एक वुड रख के ना वो चले जाता है ताकि ना मशीन चले ना मतलब उसको स्टॉप करके कर तो चले जाता है कि मतलब कि कोई खराब ना हो जाए तो खाना खाने के लिए वो वहां से, तो से चले जाता है तो ना खाना खाने के से चले जाता है तो रस्ते में जाता है <गेभी> नहीं, अच्छा खाना खाने के लिए ना वो चले जाता है yeah. जो बंदर होता है ना जो मंकी होता है अच्छा वो ना जो मंकी होता है ना yeah. वो नीचे नीचे आता है वो आता नीचे आता है तो ना जब आता नीचे आता है ना तो जैसे वो काम कर रहा होता है ना मतलब सारी वोट को उनको काट रहा होता है उनको साइड पे रख रहा होता है फिर उनको उस मशीन में डाल के का कुछ कर रहा होता है तो ना वो भी उस तरह ना कुछ करने का कर ट्राई करता है ठीक है लेकिन ना फिर क्या होता है जी वो ना जो मशीन होती है ना वो जो था ना पता ना वो मैं रही उतारती कि वो जो मशीन होती है मशीन के अंदर वुड रख के गया होता ताकि वो मशीन स्टॉप हो जाए और आ, स्टार्ट ना हो तो जो मंकी होता है ना वो उससे वो बला के करता है करता है जी वो जो वुड होता है ना उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है ठीक है उसको जोर भला कैसे निकाल रहा होता है उसको जोर जोर से जोर, जोर जोर से निकाल रहा होता है उसके अंदर से तो ना वो निकल नहीं रही होती फिर क्या होता है वो अपना एक टांग रखता है एक ना मशीन के नीचे एक मशीन के नीचे टांग रखता है और ना एक मशीन ने टांग रख के ना उसको ऊपर से एक मशीन के ऊपर टांग रखता है और ना हैंड के साथ ना जो वुड होती है ना उसको ज़ोर से निकाल रहा होता है भाई क्योंकि वो तो इंसान होता है ना ह्यूमन होता है ह्यूमन बीन होता है तो उस वो तो मतलब कि वो तो आसानी से उसको नजर निकालेगा इजीली निकाल लेगा उस वुड को लेकिन वो जो मंकी होता है वो तो उसमें तो इतनी ज़्यादा जान नहीं होती ना तो उसको बहुत ज़्यादा ना उसकी जरूरत ही है लेकिन वो ना उसको बहुत ज्यादा ना, ना खींचता है खींचने के बाद वो ना निकल जाती है लेकिन जब वो निकलती है ना वो खुद अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से ना वो बेहोश मतलब जिसकी वजह से वो अंदर खुद फंस जाता है और वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे निकले क्योंकि वो अंदर फंस जाता है ना उसकी होती है ना नेक अंदर रह जाती है मतलब के वो मतलब उसके अंदर आ जाती है तो फिर तो क्या होता जी उसके अंदर आ जाती है तो ना उसके अंदर आ जाती है तो वहाँ जब उसके अंदर आ जाती है ना तो उसका ना सांस बंद होने लग जाता है तो उसको वो लग उसको लग रहा होता है कि ये मैंने गलत किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो ना वो उस, उसका ना वो ना कुछ देर में ना बेहोश हो जाता है ठीक है क्योंकि उसको सांस नहीं लिया जा रहा होता ना वो बेहोश हो जाता है और अगर वो अगर उसको कोई बाई ना निकालता ना वहाँ से अगर वो उसको वहाँ से बाई ना निकालता ना तो वो मर जाता तो ना क्या होता है जी इतनी देर में ना वो जो कारपेंटर होता है ना वो आ जाता है लेकिन जब वो देखते है ना मंकी को जब वो मंकी को देखते है ना तो मतलब कि वो वहां बेहोश पड़ा होता है वो जब वो जब जाके उसको निकालता है ना तो वो जो मंकी होता है ना वो मर गया होता है क्योंकि इतनी इतनी देर देर दे का तो तो वो अंदर फंसा होता है तो मरना ही था ना तो उसके अंदर ना आ, वो फंस जाता है और वो ना वो मर जाता है तो क्या होता है जी मर जाता है उसके बाद जो होता है ना किसान वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है वो इतना ज्यादा सैड हो जाता है कहता है कि इंसान को हाँ, इंसान को हमेशा वो काम करना चाहिए जो इंसान का अपना होता है इस सिर्फ, मंकी का काम तो सिर्फ ये था कि वो बिलाना खाए ट्रीज़ पे घूमे और वगैरह ये मतलब ये सारे काम ही होते हैं लेकिन वो इसका मतलब ये है कि जो जो इंसान का काम खुद उतना इंसान वही करे अगर मिसाल के तौर पर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप एक आ, मतलब आप घर बनाती हो ठीक है सबसे ईजी सी मिसाल अगर आप घर बनाती हो और अगर आपको कोई बोलेगा कि कि अगर आप घर बनाती हो और अगर आपको कोई बोलेगा जाके ये खाना बना दो आप बनाओगी क्या आपको बनाना आता होगा नहीं आता होगा ना आप खाने की जगह आप पता नहीं क्या बना दोगी इसका मतलब ये है ना कि इंसान को इसका मतलब ये है कि इंसान को इंसान इंसान को जो काम आता है ना इंसान को अपना अपना काम चाहिए किसी के किसी के काम में जाके इंसान को टांग नहीं रहनी चाहिए क्योंकि अगर हमें किसी का काम आता ही नहीं होगा तो हम किसी का काम कैसे करेंगे अगर हम किसी का किसी दूसरे का काम जाके करेंगे तो हमारे साथ यही होगा ना जैसे जो मंकी के साथ हुआ था मतलब कि उसका काम नहीं था ना वो मंकी का काम था वो

मेरा तो बड़ा दिल करता है मंकी से बात करने <laughs> आपको बहुत दिल करता है आप ट्राई कर लेना वो बात करते हैं तो कर लेना फिर वो आता हाँ। करता है आपने की थी तो <laughs> फिर ते ते आपको कैसे पता मैं रूम में गई थी लाइनर ना किया मैं लाइन को देख रही थी लाइन ने किया आ मैं डर गई हाँ वहाँ पे तो लाइन भी कितने पास-पास होते हैं ना और उसके छोटे-छोटे बेबीज भी थे नहीं जब हम गए थे तब तो बेबीज नहीं थे मैं तो गई थी ना जब मैं गई थी तब बेबीज नहीं थे ना अच्छा देश्चेर देश्चेर देख देख। क्या मैंने देखा था वो एक ना किसान होता है एक गांव में किसान रहता है वो ना बहुत ज्यादा ना मेहंगी होता है लेकिन बहुत ज्यादा गरीब भी होता है तो ना वो ज़्यादा गरीब होता है वो वो ना जो एक कारपेंटर होता है ना बहुत ज्यादा गरीब होता है दे <laughs> सॉरी सॉरी किसान <laughs> जो किसान होता है ना वो बहुत ज्यादा गरीब होता है मतलब वो ना खेती बाड़ी करता होता था फसलें उगाता था तो मतलब के जो जो किसान था ना Uh, फसलें उगाता था सब्जियों को वेजिटेबल्स उगाता था गाजर ऐसे की ना ऐसे की सारी सारी वेजिटेबल्स उगाता था आ, 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 तो ना आ, 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 वो एक दिन ना मतलब कि अगर 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 किसान अगर किसान ना होते तो हमारे घर में जो हम अभी वेजिटेबल्स वैज, और ये सब कुछ खा रहे हैं ना सिर्फ किसान की वजह से खा रहे हैं अगर ना होते तो आज आज हमें आज हमें खाने के लिए कुछ भी ना मिलता तो, वो तो बना सकते थे खुद कैसे बना सकते थे ना अभी मैंने आपको बताया था ब्रेड 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 के लिए भी हमें जिस चीज से ब्रेड बनती है वो किसान ही बनाते हैं सब कुछ किसान बनाते हैं इसके बाद वो कुछ तो नहीं कुछ लाता ला है। है? सुनाए, सुनाए, सुनाए। अच्छा ठीक है <laughs> तो ना एक बार क्या होता जी वो जो होता है ना किसान वो ना कद्दू उगाता है ठीक हाँ। है कद्दू उगाता है मतलब कि इतने ज़्यादा कद्दू उगाता है अपनी फसल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक किसान कद्दू उगा तो बहुत ज्यादा ही उसे बस एक ही कद्दू उगाना था बहुत ज़्यादा ही उगा ना तो बहुत ज्यादा कद्दू उगाता है वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है उनको पानी देता है टाइम पर उनका उनको ना एक ना वो एक ना मेडिसिन भी होती है वो भी डालता है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते उनको वो मेडिसिन टाइम पे देता है उनको उनको पानी डालता है उनकी उनकी बड़ी ज़्यादा केयर करता है तो ना वो आहिस्ता आहिस्ता आहता आहता आहिस्ते बड़े हो ही जाते हैं पर ना मतलब वो रात को भी जाके उनको मतलब कि मतलब अगर बारिश हो रही है अगर उनको बारिश से बचाना है तो उनको बारिश से बचाता है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख करता है तो ना एक काफ़ी टाइम बाद ना एक फ़सल इतनी जल्दी तो नहीं उग जाती ना काफ़ी टाइम लग जाता है एक फसल को उगने के लिए मतलब कद्दू को बनाने के लिए दूसरी किसी भी चीज़ को तो ना काफ़ी टाइम लग जाता है तो ना फिर कहता है फिर ना कद्दू बन जाता है एक मतलब काफी सारे कद्दू होते हैं पर जो एक कद्दू होता है ना वो इतना बड़ा कद्दू होता है मतलब इतना बड़ा कद्दू बन जाता है तो ना वो वो ना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कहता है वाह इतना प्यारा तो ना वो खुद शौक हो जाता है कि ये तो पहली बार हुआ मेरे साथ तो ना वो कहता है कि जो मैं ना अपने बादशाह को जाके दिखाऊंगा वो कहता है मेरे बादशाह बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे मैं उनको जाके दे मैं मतलब कि उनको जाके ना ये दूंगा तो ना वो उसको तोड़ता है, है, उसको उसको है दरबार में, में जाता है ना जो उसके वजी होते हैं ना मतलब के मतलब के जो दरबार दर, दर 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 के बाहर जो खड़े होते हैं वो उसको ना पहले अंदर जाने नहीं देते वो उनकी बोलते उनको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दे प्लीज बादशाह बाद ये लाया हूँ मुझे अंदर जाने दे तो ना वो काफ़ी टाइम तक ना उनसे कहता रहता कि मुझे अंदर जाने दे फिर ना वो मान जाते हैं वो कहते हैं चले ठीक है आप जाए तो ना फिर क्या होता है जी वो अंदर जाता है बादशाह के सामने ठीक है कुछ नहीं पहले अंदर जाता पहले बादशाह नहीं आया होता जब वो अंदर जाता है ना कुछ टाइम के बाद बादशाह आता है ठीक है जब बादशाह आता है ना तो ना जब बादशाह आता है तो वो ना जो होता है ना किसान जो किसान होता है ना किसान उसके सामने ना वो कद्दू रखता है कहता है मतलब वो इतना ज़्यादा खुश होता है उसके ना रिएक्शन देख के ना मतलब के मतलब वो उसको कहता है कि बादशाह जी ये मैं ना आपके लिए लाया हूँ ये मैं आपको देना जाता हूँ गिफ्ट के तौर पर तो ना बादशाह जो होता है ना बहुत ज्यादा खुश होता है उसका जज्बा देख के उसका उसको देख के ना उसकी खुशी देख के उसका प्यार दे के ना वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो ना वो इतना ज्यादा खुश था होता है मतलब कि कि मतलब मतलब अगर वो वो उसको बहुत ज्यादा ना देता 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 है 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 हीरे हीरे वगैरह वगैरह तो ना अः मतलब कि तो अपने वजीर को कहता है के ना उसके कान उसको अपने पास बुलाता है अपने वजीर को अपने वजीर को पास बुला के उसके कान में कहता है कि जाए जरा मतलब के जो खजाने से ना हीरे जहरात लेके आए इसको देने हैं मतलब कि वो कहता है कि इतना अच्छा है इसने इस, इसमें ईमानदार है, नहीं, पाशा ये कहता है कि लालची नहीं है ये बहुत अच्छा है आ, ये बहुत ज्यादा ईमानदार है बहुत ज्यादा मेहनती है तो इसको हम इसको कोई बड़ा सा इनाम देना चाहिए तो ना वो अपने वजीर को कहता है कि जाके ना डायमंड्स लेके आए वगैरह सारा कुछ लेके आए तो ना कुछ देर बाद ना पहले वो थोड़ी सी बादशाह तो ना बादशाह के सामने ना खड़ा मतलब ऐसे खड़ा रहता है तो ना कुछ देर में ना वजीर आ जाता है वो चीज़ें लेके तो ना जो बादशाह होता है ना उसको वो देता है कि ये नहीं आपका इनाम है आपने इतनी इतनी खुशी से इतने प्यार से इतने इतने जज्बे से आपने हमें दिया मैं आपकी इस जज्बे से इस प्यार से बहुत खुश हुआ हूँ इसी वजह से मैं आपको दे रहा हूँ जो जो किसान वो जो किसान होता है ना उसने सोचा भी नहीं होता कि मुझे बादशाह में मुझसे इतना ज़्यादा खुश होंगे और मुझे तो ना वो ज्यादा खुश होता है उसको वो दे देता है तो वो ना लेके चले जाता है तो ना वो ना बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है फिर इतना ज्यादा अमीर हो जाता है मतलब हाँ वो अपना घर भी नहीं आ ले आता है मतलब की बहुत ज्यादा गाँव में सबसे ज्यादा अमीर वो हो जाता है सारे गाँव कहते हैं सारे गाँव वालों को पता चलता है कि बहुत अमीर हो जाता है तो ना जो एक ना एक एक होता है सिनार एक होता है सिनार हाँ एक होता है सिनार वो ना गोल्ड का काम करता होता है ठीक है ना तो ना जब तो उसको पता चलता है ना कि बादशाह ने उसको सिर्फ एक कद्दू की वजह से उसको इतने ज़्यादा डायमंड्स वगैरह दिए हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो क्या होता है वो कहता है मैं भी ऐसे करता हूँ कि आप पता मुझे भी वो ज़्यादा डायमंड्स वगैरह दे दे मैं भी अमीर हो जाऊंगा तो ना वो जो उसके पास जो सारा गोल्ड होता है ना जो सारा गोल्ड होता है सारे गोल्ड को ना एक सारे गोल्ड को लेके ना अपना सारा गोल्ड लेके गिफ्ट बना के ना उसके प्यारे प्यारे से तो ना बादशाह के दरबार में ले जाता है बादशाह के दरबार में जब वो लेके जाता है ना

ये सिर्फ लालच के लिए आपके पास आया है वैसे इसमें पर कोई वो, मतलब कि कोई प्यार नहीं है कोई जज्बा वगैरह नहीं है वैसे सिर्फ लालच की वजह से आपके पास आया तो ना बादशाह को सारा कुछ समझ आ जाता तो बादशाह कहता है ठीक है बादशाह से वो ना गिफ्ट ले लेता है और ना उसे वो गिफ्ट्स लेके ना वो कहता है कि आप इसके बदले में क्या लेना चाहेंगे तो कहता है बादशाह जी कुछ भी नहीं है मैं बस आपके बस आपके लिए प्यार से लेके आया हूँ तो ना कहता है जो आपकी मर्जी आप जो मर्जी दे दें तो ना फिर क्या होता है ना अपने अपने वजीर को कहता है कि ना कद्दू जो, 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 वो, वो जो लेर होता है ना वो कद्दू लेके आता है तो ना वो वो जो कद्दू होता है ना वो सिनार को दे देता है तो ना सिनार को दे देता है वो कद्दू तो ना वो 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 हैरान हो जाता है बादशाह जी मेरे साथ क्यों मुझे कद्दू क्यों आपने मुझे क्यों डायमंड्स नहीं दिए तो ना कहता है लालच लालच बुरी बुलाया तुमने तुम सिर्फ लालच के लिए मेरे पास आए थे तो तुमा, तुम्हारा और कोई मतलब नहीं था इसलिए तुम्हें क्योंकि मेरे पास तो सबसे कीमती चीज़ है कद्दू है तो इसलिए मैं तुम्हें कद्दू ही दूंगा तो ना इसकी वजह से उसका लालच की वजह से ना उसका सारा वो गोल्ड भी जाता है वो जिससे वो गरीब भी जाता है इसकी वजह से सारा उसका गोल्ड भी चले जाता है सारा जो उसके पास जित जितने भी डायमंड्स वगैरह होते हैं ना सारे चले जाते हैं इसलिए लालच बुरी ब्लाज होती है इंसान को लालच नहीं करना चाहिए इंसान के पास जो होता है इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए